मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन जाने मन जाने मन। ये देशभक्ति गीत मेरा फेवरेट है। जब भी 15 अगस्त आती है तो मैं ये गाना गुनगुनाए लगता हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 15 अगस्त से रिलेटेड कुछ इंग्लिश वर्ड पढ़ने वाले हैं जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, जो इंडिपेंडेंस है उसको बोलते हैं आज़ादी। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता। इसको हम फ्रीडम और लिबर्टी भी कह सकते हैं। तो अगर आपको बोलना है आज़ादी का दिन या फिर बोलना है आपको स्वतंत्रता दिवस, तो आप उसको बोलेंगे द डे ऑफ फ्रीडम, या फिर आप बोलेंगे द डे ऑफ लिबर्टी, और जो सबसे कॉमन है आप बोल सकते हैं इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, जो ब्रिटिश राज होता है, हम अक्सर उसकी बात करते हैं, अगर हम स्पीच कोई तैयार कर रहे हैं तो ब्रिटिश राज की बात करते हैं, उसको अंग्रेज़ी में बोलेंगे कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड। और जो अंग्रेज़ होते हैं उनको हम कहते हैं वाइट, WHITE वाइट। और जो ग़ुलाम होते हैं उनको हम बोलते हैं स्लेव, और ग़ुलामी को कहते हैं स्लेवरी। दोस्तों, जो राज करना होता है, यानी कि अंग्रेज़ों ने हम पे 250 साल हुकूमत की लगभग, तो उस हुकूमत करने को, राज करने को हम बोलते हैं रूल, रूल। और दोस्तों, जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई करके हमारे देश को आज़ाद कराया, उनको हम कहते हैं फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी। देशभक्त को अंग्रेज़ी में कहते हैं पैट्रियट, पैट्रियट PATRIOT पैट्रियट। और जो बलिदान हम देते हैं, अपनी जानें कुर्बान देते करते हैं, उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। और धूमधाम, इसका हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं कि हर साल हमारे यहाँ 15 अगस्त का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे पॉम्प एंड शो, पॉम्प एंड शो। झंडा फहराने को हम बोलते हैं टू हॉइस्ट, टू हॉइस्ट। देशभक्ति को हम बोलते हैं, देशभक्ति जो गीत होते हैं उनको हम कहते हैं पैट्रियटिक सॉन्ग्स, पैट्रियटिक सॉन्ग्स। 15 अगस्त आई है तो लोग पतंग भी उड़ाते हैं, हमारे हिंदुस्तान में पतंग खूब उड़ती है, तो पतंग में हमें पहले ज़रूरत पड़ती है सद्दिल की, तो सद्दिल भी बोलते हैं हमारे यहाँ फरखाबाद में, तो सद्दिल बोलते हैं, बहुत सी जगहों पर सद्दी कहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे थ्रेड। सद्दी यानी कि जो सफ़ेद सफ़ेद जो धागा होता है जिसको हम पतंग में बांधते हैं, सबसे जो हाथ के पास होता है उसको हम बोलते हैं सद्दी, अंग्रेज़ी में कहेंगे थ्रेड, थ्रेड THREAD थ्रेड। और जो मांझा होता है, जो पतंग के पास में बांधा जाता है, सबसे आगे होता है पतंग लड़ाने के लिए, पेच लड़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उस मांझे को हम बोलते हैं लेड थ्रेड, LED लेड, लेड थ्रेड। और जो पेच लड़ाना होता है पतंगों की, यानी कि जो लड़ाई होती है, उसको हम बोलते हैं काइट फाइट, पेच लड़ाना यानी कि काइट फाइट। चरखी को हम बोलते हैं रील, पहले मैं दोस्तों छोटा था तो सोचता था रील जो है यानी कि जो मांझा होता है उसको कहते हैं, नहीं, मांझा जिस पे चढ़ाया जाता है, जिस चरखी पे, उसको हम बोलते हैं रील, RELL रील यानी कि चरखी। और जो पतंग लूटना होता है, पतंग लूटने का तो रिवाज खूब होता है हमारे यहाँ फरक्काबाद में, पतंग जब भी बसंत आती है या फिर 15 अगस्त आती है तो पतंग लूटने के लिए बड़े बड़े लग्घे जो है, बड़े बड़े बांस जो है आदमी लेके आता है, कांटे लेके आता है, तो उस पतंग लूटने को बोलते हैं ग्रैब द काइट, ग्रैब द काइट। अब दोस्तों बात करते हैं शहीद, जो शहीद होता है उसको हम कहते हैं मार्टर, मार्टर। और शहादत को कहते हैं मार्टर डम, मार्टर डम। सलामी देना या फिर सलामी को हम बोलते हैं सैल्यूट, सैल्यूट। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों प्लीज़, इतना अच्छा लेसन मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इतने इतने अच्छे से लेसन लेकर आ रहा हूँ, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।